दोस्तों क्या आपके शरीर में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है और इसके साथ साथ क्या आप भी अपने इस वजन को कम करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं? तो आज का मेरा रेमेडी और आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए ही है। जरूर ट्राई करेगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो आप इस रेमेडी को जैसे ही पीते जाएंगे जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, आपके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। आपके शरीर में जितने भी वात का प्रभाव है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, वो कम हो जाएगा और साथ में आपका वजन भी काफी हद तक कम होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको इतना अल्टीमेट रिजल्ट दिखेगा। तो मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले जीरे के बारे में और जीरे के अल्टीमेट फायदे हैं आपके शरीर के लिए। यह आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके हाजमे को बहुत दुरुस्त कर देता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाइजेशन पावर पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो जो भी आप खाएंगे वो आपके शरीर में डाइजेस्ट होगा, ना कि वो खाना सड़ेगा। तो उससे आपको भरपूर फायदा मिल पाएगा। अब हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है तेज पत्ता। जी हाँ, तेज पत्ता तो आप जानते ही होंगे, हमारे घर के मसालों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। खाने का स्वाद तो ये बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में आपके शरीर को बहुत दुरुस्त रखता है। अगर आपके शरीर में वात का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जिससे घुटनों का दर्द रहता है, मांसपेशियों में सूजन या बहुत थका हुआ फील करते हैं, तो जब आप इस रेमेडी का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में बहुत अच्छी चुस्ती तंदुरुस्ती आ चुकी है। ये आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है और सबसे बड़ी बात, ये आपके शरीर में जितना भी वजन है उसको बहुत तेजी से कम करता है। कैसे करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये दोनों इंग्रेडिएंट मिलके आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेंगे और जब आपकी बॉडी में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो पसीना ज्यादा निकलता है। ठीक है, पसीना ज्यादा निकलता है तो उससे क्या होता है, आपके शरीर में जो वॉटर का लेवल बढ़ा हुआ है, पानी भी आपके शरीर में जमना शुरू हो जाता है जब हम नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये आपके उस वॉटर लेवल को बहुत अच्छे से कम करेगा, जिसके लिए हम घंटों जाते हैं, हम पसीना बहाते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से है कि आप बहुत लेजी हैं, घर बैठे बैठे पसीना अपना निकालना चाहते हैं, तो ये बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। साथ में आपकी स्किन के टेक्सचर को अच्छा करेगा, बालों के लिए बहुत अच्छा है, यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसको खत्म करेगा, मतलब आपके शरीर में जितनी भी अभी तक आपने गंदगी इकट्ठा करके रखी थी बेसिकली ये उसको ये बाहर फ्लश आउट करेगा। तो चलिए जान लेते हैं इसको बनाने का सही तरीका क्या है और पीने का सही समय क्या है। अब सबसे पहले आपको इसके लिए एक बर्तन ले लेना है और उसमें डालना है आपने 1 लीटर पानी और उसके बाद उसको आपने गैस पर रख देना है फुल सेक पर। इसके बाद हम अपने दोनों इंग्रेडिएंट इस पानी में ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से बॉइल होने देंगे। हमें इतना इसको अच्छे से बॉइल करना है जब तक कि ये पानी का लेवल जो है थोड़ा सा कम ना हो जाए, यानी अगर हमने 1 लीटर पानी डाला है तो कम से कम आधे से 1 ग्लास पानी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो कड़ेगा उबलेगा उतना ही सारी चीजों का असर इस पानी में आ जाएगा। गैस का फ्लेम आपने लो करना है उबालने के टाइम पे और 10 मिनट के लिए इसको पकाना है आपने लो फ्लेम पे। यहाँ पर मेरा पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस पानी को आप ढक कर रख देंगे एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आपने छन्नी की मदद से छानना है और इसको एक कांच के ग्लास में ट्रांसफर कर लेना है। अब जान लेते हैं इसका पीने का सही समय क्या है। ये मैंने लिया है 1 लीटर पानी, 1 लीटर में से हमारा 1 ग्लास कम हो चुका है उबलने के बाद। अब आपने दिन में 3 बार इस पानी का 1 ग्लास पीना है। कैसे पीना है मैं बता देती हूँ। जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया उसके 45 मिनट बाद आप इस पानी को पियेंगे, उसके बाद लंच के 45 मिनट बाद आप इस पानी को पियेंगे 1 ग्लास को, ऐसे ही डिनर के आप 45 मिनट बाद इसका 1 ग्लास पानी पियेंगे। जैसे जैसे आप पियेंगे तो ये क्या करेगा, आपके शरीर में जितना भी दर्द है, सूजन है, उसको खत्म करेगा। विंटर में आपकी बॉडी पूरी अकड़ जाती है, एकदम आपका काम करने का मन नहीं करता। जब आप इस वाटर को पियेंगे तो आपकी बॉडी एकदम से चार्ज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और ये आपके वजन को बहुत अच्छे से नियंत्रित करती है। आपके एक्स्ट्रा फैट को, जो आपकी बॉडी में स्टोर हो चुका है, जम चुका है, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, उस फैट को ये मेल्ट करने का काम करती है। तो डोंट वरी, जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज करे हैं और जितना मैंने पानी लिया है वो आपकी बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं करेगा। आप इसको बिल्कुल आराम से पी सकते हैं। डिलीवरी के बाद भी आप अपने एक बार गायनिक से कंफर्म करके इस पानी को जरूर पिए, क्योंकि जो आपके पेट बाहर आ चुका है, सूजन आ चुकी है आपकी बॉडी में, उसको भी ये कम करती है और स्पेशली ये पीरियड्स टाइम पे आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है वो इससे थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी, जो क्लॉटिंग प्रॉब्लम होती है। तो इस पानी को जरूर एंजॉय करें, गरम गरम इस पानी को पिए। अगर आपको स्वाद थोड़ा सा बकबका लग रहा है और आपको डायबिटीज नहीं है तो 1 स्पून हनी आपने ऐड करना है, लेकिन जब पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब आपने इसमें हनी ऐड करना है। गर्म पानी में हनी आपको ऐड नहीं करना है। फिर देखें इससे होने वाले अल्टीमेट फायदे आपके शरीर के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।